मेरी कविता का शीर्षक है ताकि महक बनी रहे। तुम चले जाना कभी कभार घूमे शहर की ओर, दिन तीन चार और लौट आना जल्दी ही वापस अपने कहा, ताकि महक बनी रहे रिश्तों की बरकरार, हाथों से फूलों की खुशबू आती रहे बहुत देर तक उनकी हल्की सी छुपन पर, तुलसी सजती रहे आंगन की परिधि पर, खिले रहे गुलाब मोगरे और गेंदे के फूल, खेतों की मुंडेर पर सम्मोहन में बांधे रखे हर मुखियारे मन को खुशबू से लबरेज राह रानी, देवदार कैल बांध रही तोस सी बनी रहे तटस्थ मित्रता, देती रहे दिल को सुकून बुराश की ठंडक, आंखों में जिंदा रहे मखमली ख्वाब, बादल ढूंढते रहे अपना अपना आसमां, कैनवस बनता रहे और भी रंगीन, पहाड़ी पर मंदिर में बनी रहे आस्था, घंटी की आवाज की पहुंचती रहे भीतर तक गूंज, पीपल के पत्तों की कर्तव्य ध्वनि से होता रहे स्वागत, उसमें रहे वास देवों का, पैरों के नीचे जमीन की पकड़ बनी रहे और भी पक्की, हल पर कसा रहे हाथ, बंधे रहे जोड़े से बैलों की दोस्ती, हथेली में चमकती रहे मिट्टी, खेतों में लहलाती रहे फसल, तुम लौट आना जल्दी ही ताकि पहाड़ों पर चश्मों से रिसती रहे मिठास, बुझती रहे राहगीर की प्यास, और पगडंडियों पर चहलकदमी करते हुए कंठ से निकलती रहे दिल की पुकार, घाटी में गूंजते रहे कोयल के पंचम स्वर, झूमते रहे मस्ती में पेड़ और मुस्कुराती रहे शाखे, तुम लौट आना जल्दी ही फसल पकने से पहले ताकि बना रहे आपस में प्यार, गांव है तो घर है, घर है तो रिश्ते हैं तो बनी रहेगी रिश्तों की गर्मी। मैं रंगमंच से हुआ देख रहा हूँ कि रंगमंच यहाँ बन पड़ा है और आगे कार्यक्रम चल रहा है, एक इजाजत है तो एक रंगमंच कविता शीर्षक है रंगमंच। प्रेक्षक ही भर चुका है उत्सुक दर्शक के धीमी सी रोशनी में, आंखें बिछाए है प्रतीक्षा, यवनिका के पीछे रंगमंच पर थिरकने को तैयार हैं रंगमंच के रंगकर्मी, तैयार है कालिदास मल्लिका अंबिका दुष्यंत और शकुंतला, किरदार में रंग गए हैं किंग लियर ओथेलो शाइलॉक प्रोस्पेरो, जच रही है मिरांडा वायला और कौर्डिल्या अपनी अपनी वेशभूषा, मोहन राकेश के किरदार सावित्री और महेंद्र नाथ भी दोहरा रहे हैं मन ही मन अपने अपने संवाद, इडिपस कर रहा है आत्मसात अपने अंदर इडिपस की आत्मा, ग्रीन रूम में आंखें बंद किए चुपचाप बैठी है कोने में एंटीगनी अपने में ही निमग्न, खेल चुके हैं कई बार ये अनेक किरदार बखूबी, नाटक के मंचन से पहले कितने ही बार पहुंचे हैं रूचक अपने किरदार की, नाटक से पहले भी निभा चुके अपना रंगकर्म कई बार, नाटक से पहले भी होते हैं नाटक, जब हैमलेट करता है अंतर प्रयास अनसुलझे गुत्थे सुलझाने का, टू बी और नॉट टू बी दोहराता हुआ घूमता है पर्दे के पीछे, एक विंग से दूसरे विंग तक जाते हुए टटोलता है जवाब, पर्दा खुलते ही बांध देता है कलाकार सभी को अपने निर्बाध सम्मोहन में, ढूंढते हैं दर्शक अपने आप को हर किरदार के मुखौटे के पीछे, मिलते हैं अपने अनछुए सच से, जुड़ते हैं अपने एकांतपन से, तलाशते हैं सुकून अपने अपने एकांत में, सबके भीतर छिपा है कलाकार किरदार के भीतर एक किरदार, सभी तैयार हैं खेलने को अपने अपने हिस्से का किरदार, सभी हैं तैयार अपना सच अभिनीत करने को, सभी समेटे हैं रंगमंच समा गया है सभी ने स्टेज निबद्ध की सारी दुनिया, नाटक खत्म होने के बाद सभी निकल पड़ते हैं अपनी अपनी यात्रा पर, भीतर ही भीतर खेलता है एक कलाकार निभाने अपना रोल दुनिया के रंगमंच पर।